Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ नगर निगम में 30 दिसंबर को हुआ संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। आज पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कमिश्नरी पार्क से जलूस के रूप में पहुंचे दलितों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निगम बोर्ड बैठक में विपक्षी पार्षदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लिहाजा इस घटना में शामिल जनप्रतिनिधियों को बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि जिस तरह दलित पार्षदों को भाजपा के मंत्री व पार्षदों ने पीटा है वह बेहद शर्म की बात है। भाजपा की तानाशाही सभी जगह चल रही है, जिस कारण प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। गौरतलब यह भी है कि आगामी 10 जनवरी को दलितों व गैर भाजपा राजनीतिक दल कमिश्नरी पर महापंचायत बुला रहे हैं, जबकि आज के धरना प्रदर्शन में दलितों के साथ ही कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी के लोग भी शामिल हुए। आज कमिश्नर पार्क से जिला मुख्यालय तक यह नज़ारा देखने में आया। जिंदाबाद जिंदाबाद और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने क्या कहा वह देखिए। बात यह है कि जो सदन की मीटिंग में, नगर निगम की सदन की मीटिंग में जो नंगा नाच किया है इन्होंने, अंदर सदन में भी इनके साथ मारपीट की और सदन के बाहर सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अनुसूचित जाति का नाम ले लेके जाति सूचक शब्दों के साथ इनके साथ मारपीट की है। सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर कीर्ति गोपला जी खड़े हैं। एक आदमी जो आशीष था उसको नजरबंद कर रखा है, उसका ये नहीं पता कहाँ है, उसे आने नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है, हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो नेम्ड है, जिनको कीर्ति गोपला की तहरीर पर नेम्ड किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और आए दिन दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके इनके सरकार के मंत्रियों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा इनको रोका जाए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज हमारा समाज पूरे जिले का पूरी तरीके से यहाँ पर इकट्ठा है और सिर्फ अपना रोष जाहिर करने के लिए कीर्ति गोपला को और आशीष को दौड़ा दौड़ा कर जो पीटा, सबके लोगों में, मतलब उनके, हमारे परिवार के तमाम लोग, क्योंकि सब पूरा परिवार है, सबके रोंगटे खड़े, किस तरीके से मारा इन लोगों ने, सबका कलेजा फटा हुआ है। किस, मतलब इस तरीके से मारा पीटा नहीं जाता। ये तो लोकतांत्रिक की हत्या है। इस समय कोई किसी तरीके का ना कानून व्यवस्था है ना कुछ है। बिना मतलब में ये लोग हमारे समाज पे, जहां भी होता है दलित समाज पिटता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हिंदू शेखर का मामला हो और चाहे क्या नाम है कोई भी मामला हो, पिटेगा, मरेगा, कटेगा दलित। इन पे अत्याचार जुल्म को रोकना पड़ेगा। आज ये तमाम समाज के लोग इकट्ठा, ये बीजेपी वाले इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहते हैं। कभी वे हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, उनके खिलाफ तहरीर दी है उन्होंने। और जब आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, तो तब घर में अंदर घुस के महिला को आगे कर देता है। तो इन्होंने महिलाओं को आगे, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग, तमाम लोग महिला का सम्मान करते हैं और उस महिला का भी सम्मान है जिसको लेके इन्होंने आगे राजनीति कर रहे हैं ये। लेकिन ये राजनीति चलने वाली नहीं है, समाज जाग चुका है और हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब दुनिया को जगा के दम लेंगे और बताएंगे इनकी करतूत कि ढोंग रचते हैं दलितों पे, दलितों के साथ खड़े होने का, ये दलितों पे अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, इस जुल्म को रोकना पड़ेगा। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बिजेंद्र सिंह ने यह कहा, देखिए जो पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है, जो पार्षदों की पिटाई करी है, जो उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा है, जिनकी जान लेने की कोशिश की है, पूर्व मंत्री जो मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जो वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन शासन मूर्ख दर्शक बना हुआ है। उनको कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्रिमंडल से और पार्टी से उनको बर्खास्त करना चाहिए, उसके साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और कीर्ति गोपला इन सबको न्याय देना चाहिए। देखिए हमारा आज समर्थन सर्व समाज के साथ है, हमारा लोकदल पार्टी अन्याय के खिलाफ है, लोकदल पार्टी न्याय के जो इस समय न्याय से अपेक्षित है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी और उनको इंसाफ दिलाएगी। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी, सर्व समाज को इकट्ठा किया जाएगा और मैं समझता हूं सरकार को जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और पार्टी की जो छवि खराब कर रहे हैं दूसरी पार्टियों की भी, उन्हें जो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में दागी नहीं है, हमारी पार्टी सर्व समाज पार्टी है, मुझे लगता है दलित समाज जो है इस समय उनसे उपेक्षित महसूस कर रहा है, उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और दलितों को न्याय दिलाना चाहिए। प्रशासन का जो दबाव है, मंत्री और विधायक एमएलसी सोमेंद्र तोमर धर्मेंद्र भारद्वाज शासन प्रशासन पर इतना दबाव बनाए हुए हैं, मैंने अपने इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि सरेआम वीडियो में, जो वीडियो वायरल है पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, पीटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रशासन की आंखें बंद हो गई हैं? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इस समाज को न्याय दिलाना चाहिए। लोकदल इस संघर्ष में समाज के साथ है, पार्टियों के साथ है, पूरा विपक्ष एकजुट है। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, रणनीति बनाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा समर्थन है, हमसे समर्थन मांगा गया था, लोकदल पार्टी का पूरा समर्थन है, अन्याय के खिलाफ समर्थन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।